हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं CMS विथ वर्डप्रेस और मजेंटो। तो ये रहा हमारा सिलेबस, यहाँ पे ओपन है। लास्ट में हमने देखा था इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस एंड फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ वर्डप्रेस। नाउ लेट्स वी विल सी दैट डैशबोर्ड ओवरव्यू ऑफ वर्डप्रेस। सो डैशबोर्ड के लिए हमें अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है उसे ओपन करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमने यहाँ पे ZAMP और MySQL जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि वर्डप्रेस जो है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि वर्डप्रेस जो है वो MySQL को यूज़ करता है फॉर योर डेटाबेस। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लोकल होस्ट वर्डप्रेस। अगर सिर्फ हम यहाँ पे लोकल होस्ट और वर्डप्रेस लिख के एंटर करेंगे तो क्या होगा, हमारी साइट सिर्फ ओपन होगी, लेकिन हमें अपने एडमिन पैनल पे जाना है। सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा wp-admin। अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो भी आप लॉगिन पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाओगे। सो यहाँ पे फर्स्ट हम लॉगिन करते हैं, उसके बाद हम एडमिन पैनल में जाएंगे। सो मैंने लास्ट में यहाँ पे यूज़र नेम PMP और पासवर्ड जो है वो PMP123 ऐसा सेट किया था। सो नाउ यू कैन लॉगिन। नाउ यू सी द डैशबोर्ड ऑफ ऑन योर स्क्रीन। ये हमारा डैशबोर्ड है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड, जहाँ पे हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, अपनी पेज पोस्ट सब कुछ। सो ये देखिए, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे कॉर्नर पे W आइकॉन दिख रहा है वर्डप्रेस का। ये हमें क्या देता है, ये हमें 4 टाइप्स की फैसिलिटी देता है। पहले तो अगर आपको वर्डप्रेस के रिलेटेड कुछ भी जानना है कि वर्डप्रेस क्या है, तो अबाउट वर्डप्रेस की पे क्लिक करके आपको उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा कि ये वर्डप्रेस का वर्जन जो है वो ये है, 5.4.2 है, उसके अंदर ऐसी 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 फैसिलिटी है, इसके रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट जो है वो है wordpress.org एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट एंड फीडबैक। ये चारों पे क्लिक करोगे ना आप, तो डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो गए wordpress.org पे। अगर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से हम वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं, जहाँ से हम कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, एंड देन आप कोई भी हेल्प ले सकते हो, फीडबैक लिख सकते हो, सिर्फ हम इसी वेबसाइट पे क्लिक करके कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे रिडायरेक्ट करोगे तो wordpress.org पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ये देखिए। लेकिन अगर आपको इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वर्डप्रेस रिलेटेड, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वर्डप्रेस रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। तो ये भी wordpress.org पे ही रिडायरेक्ट हुआ। एंड देन अगर आपको उस रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए, उसकी कम्युनिटी की हेल्प चाहिए, एंड देन यू शुड गो ऑल्सो wordpress.org। यहाँ पे सपोर्ट नाम की लिंक है, यहाँ पे काफ़ी सारी कम्युनिटी है। आपको किस रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस, वर्डप्रेस स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप सब सारे के सारे यहाँ पे जो है हम हेल्प और सपोर्ट ले सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। नेक्स्ट जो है फीडबैक, आपको कुछ भी फीडबैक देना है आपकी साइट और ब्लॉग के बारे में, तो आप यहाँ से दे सकते हो। सो नेक्स्ट इज, ये वर्डप्रेस के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हमें मिल जाएगा, जनरली ये रिडायरेक्ट होता है wordpress.org पे। नेक्स्ट जो है वो है माय साइट। अगर आपको आपकी साइट की विजिट करनी है, जैसे कि हमने कहा ना वर्डप्रेस और लोकल होस्ट वर्डप्रेस लिखते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट होते हैं, ठीक वैसे ही आप माय साइट पे विजिट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गए। अगर मैं यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गई हूँ, अगर मैंने एडमिन पैनल पे लॉगिन कर लिया है, तो आपको आपकी साइट का डैशबोर्ड दिखना है, तो यहाँ पे क्लिक करें, आप वापस यहाँ पे आ जाओगे डैशबोर्ड पे। ये देखिए, हम फिर से डैशबोर्ड थीम प्लगइन्स आप यहाँ पे आ सकते हो। नेक्स्ट जो है ये 4 वाला, अगर आपके वर्डप्रेस में कुछ भी अपडेट न्यू आया है तो वो आपको यहाँ पे नोटिफाई होगा। जैसे कि आपके पास जो है वो ओल्ड थीम है, अगर आपको न्यू थीम यहाँ पे अगर अपडेट हो गई है, लॉन्च हो गई है, तो आप अपनी वर्डप्रेस की साइट में अपडेट कर सकते हो, तो आपको नोटिफाई करेगा कि आपके पास 2 थीम है। वर्डप्रेस जो ऑलरेडी आपने यूज़ करते हो उसका भी अपडेट आया है, वर्डप्रेस 5.5 अवेलेबल है। अभी जो वर्डप्रेस आप यूज़ करते हो, अभी आपने देखा ना अबाउट वर्डप्रेस में, यहाँ पे देखा, अभी जो आपका वर्डप्रेस है वो है 5.4.2, लेकिन फिलहाल
न्यू वर्डप्रेस आ गया है, वर्डप्रेस 5.5 अवेलेबल है। अगर आपको अपडेट करना है आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो। यहाँ आपको देगा 4 अपडेट्स टू थीम के बारे में। यहाँ देखिए आप यहाँ से भी वर्डप्रेस 5.5 अपडेट कर सकते हो। ऑलरेडी ये 5.4 वर्डप्रेस में जो प्लगइन्स और थीम आई है डिफॉल्ट, अगर आपको उससे अपडेट करना है देन यू शुड ऑल्सो गो हियर एंड यू कैन अपडेट दिट प्लगइन, अपडेट प्लगइन्स। आप यहाँ पे प्लगइन्स अपडेट कर सकते हो क्योंकि जो आपके पास ये जो अकिस्मैट एंटी स्पाम प्लगइन्स है वो 4.1.5 जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन आपको 4.1.6 अपडेट करना है देन यू शुड गो हियर एंड यू कैन ऑल्सो अपडेट योर थीम विथ क्लिकिंग हियर। सो यहाँ से डायरेक्टली आप अपडेट कर सकते हो। ये देखिए अभी 4 था, फिलहाल 5 हो गया क्योंकि एक और नया अपडेट आया है। अब हम देखते हैं ये नया अपडेट क्या है, क्योंकि थीम और प्लगइन्स तो आई थी लेकिन ये तीसरा नया अपडेट क्या है। ओके, पहले थे हमने देखा था कि ओनली 2 थीम अपडेट हुई थी, लेकिन अब 2019 का भी अपडेट आ गया है। फिर थोड़ी मिनट में, फ्यू ही मिनट्स में ये अपडेट हमें मिला है। फिर लास्ट में हम जब मैंने देखा था तो 2017 एंड 2020 का ही अपडेट हुआ था, लेकिन नाउ फ्यू मिनट्स अगो वी कैन फाइंड दैट न्यू अपडेट्स 2019, क्योंकि हमारे पास 1.5 है और अब हम 1.7 जो है वो आ गया है। वर्डप्रेस के पास बाय डिफॉल्ट ये 3 जो थीम है वो ऑलरेडी होती है। सो ये अपडेट के लिए अगर हमें कुछ भी अपडेट करना हो तो हमें कमेंट्स देखनी हो, अगर कोई कमेंट आई हो तो आप यहाँ से व्यू करके डायरेक्टली देख सकते हो। फिलहाल मेरे पास कोई कमेंट नहीं है, बाय डिफॉल्ट कमेंट है वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस कमेंटर के लिए। सो आप यहाँ से कमेंट दे सकते हो, आपको यहाँ पे बल्क ऑफ ऑपरेशन है, अप्रूव करनी है, स्पाम में जाने देनी है, ट्रेस करनी है, डिलीट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। न्यू, अगर आपको यहाँ से शॉर्टकट वे से आपको न्यू पोस्ट लेनी है, इमरजेंसी में न्यू पेज लेना है, आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके डायरेक्टली न्यू पोस्ट, न्यू मीडिया, मीडिया मीन्स आपको कोई भी ग्राफिक्स सेव करना हो, जैसे कि आपकी फ़ोन की गैलरी होती है ठीक वैसे ही वर्डप्रेस के अंदर मीडिया होता है, जिसके अंदर आप वेबसाइट के रिलेटेड जो इमेजेस है, वीडियो है वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे आपकी फ़ोन की गैलरी है हमारी वेबसाइट की मीडिया है, और पेज और पोस्ट एंड यूजर आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। सो ये है जनरल टाइटल, और यहाँ पे देखिए आपका लॉगिन यूजर नेम है, आपको कोई भी आपकी प्रोफाइल, आपके रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है देन एडिट माई प्रोफाइल एंड देन यू कैन लॉग आउट। नाउ वी विल सी दैट डैशबोर्ड, ये जो है ये हमारा डैशबोर्ड। नेक्स्ट जो है वो है स्क्रीन ऑप्शन, आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक नीचे ही स्क्रीन ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आप स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे चेकबॉक्स दिखेंगे। स्क्रीन ऑप्शन का मीनिंग क्या है, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे काफी सारे दिखती है इन्फॉर्मेशन। देखिए पहले तो ये वेलकम वाला बॉक्स दिखता है, फिर ये क्विक ड्राफ्ट वाला, फिर एक्टिविटी, ये देखिए एक्टिविटी एट ए ग्लांस। तो ये सब कुछ क्या है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे वेलकम पेज नहीं चाहिए, ये देखिए ये वेलकम पेज है, अगर आपको यह नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए चला जाएगा, एक क्लिक किए तो आ जाएगा। सो ये उसके लिए है, अगर आपको स्क्रीन पे क्या क्या चाहिए, वेलकम है, एट ए ग्लांस, एट ए ग्लांस आपको यहाँ पे नीचे दिखता है, देखिए ये एट ए ग्लांस है, लेकिन आपको ये अभी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एट ए ग्लांस पे, ये यहाँ से निकल जाएगा, देखिए एट ए ग्लांस नहीं मिलता, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से आ जाएगा। देखिए आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो एट ए ग्लांस को, अगर आपको यहाँ पे लाना है, ये देखिए एट ए ग्लांस यहाँ पे आ गया, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करो तो आ जाता है। सो ये एट ए ग्लांस, ठीक वैसे ही एक्टिविटी भी है हमारे पास, एक्टिविटी मीन्स आपने आपकी वेबसाइट में क्या क्या रिसेंटली एक्टिविटी की है वो यहाँ पे दिखेंगी, कि रिसेंटली आपने क्या पब्लिश किया है, रिसेंटली कमेंट्स क्या है, तो ये एक्टिविटी यहाँ से देखेंगे। इसे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सो अगर आप यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये एक्टिविटी ये सब कुछ चला जाएगा। देखिए मैं फिलहाल यहाँ से सब कुछ निकाल देती हूँ, सिर्फ अपना वेलकम पेज ही लिखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ वेलकम टू वर्डप्रेस पेज ही है, लेकिन हमें एट ए ग्लांस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखिए सिर्फ एट ए ग्लांस आ गया। क्विक ड्राफ्ट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए,
क्विक ड्राफ्ट भी आपको मिल जाएगा। आपके वर्डप्रेस की न्यूज़ चाहिए, इवेंट्स चाहिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो भी आ जाएगा। एंड देन इफ़ यू वांट एक्टिविटीज़ देन यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये एक्टिविटी भी आपको मिल जाएगी। सो एटी स्क्रीन ऑप्शन गिव्स विच इंफॉर्मेशन विच बॉक्स यू वांट इन योर डैशबोर्ड। नाउ यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये वेलकम टू वर्डप्रेस है। वेलकम टू वर्डप्रेस के अंदर 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में जो कस्टमाइज योर साइट, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपकी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पे हम ब्लॉग और पेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन को राइट कर सकते हैं। एंड देन थर्ड जो कॉलम है वो विजेट रिलेटेड है। सो द वेलकम विजेट इज डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द डैशबोर्ड। ये ऑलवेज डैशबोर्ड के टॉप ऑफ द पेज पे ही डिस्प्ले होता है। और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज अ लार्ज कस्टमाइज बटन दैट टेक यू टू द वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजर और लिंक। एंड सेंट्रल कॉलम, ये सेंट्रल कॉलम जो है इट कंटेन्स यूजफुल लिंक्स रिगार्डिंग ब्लॉग पोस्ट क्रिएट पेज एंड व्यू फ्रंट एंड ऑफ योर वेबसाइट। एंड जो लास्ट कॉलम है इट कंटेन्स लिंक टू विजेट, ये विजेट रिलेटेड लिंक्स जो है वो कंटेन करती है, लाइक मेनू पेज और कमेंट सेटिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट जो है वो है एटी ग्लांस। एटी ग्लांस क्या कंटेन करता है, एटी ग्लांस विजेट, ये विजेट ये गिव्स यू जनरल ओवरव्यू ऑफ योर वेबसाइट। ये हमारी वेबसाइट का जनरल ओवरव्यू देता है, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ पब्लिशिंग पोस्ट, हमने कितनी पोस्ट पब्लिश की है। फिलहाल तो 1 पोस्ट ही है क्योंकि हमने फिलहाल फ्रेश इंस्टॉलेशन किया है वर्डप्रेस का, जो बाय डिफॉल्ट पोस्ट और पेज दिया जाता है वही है। सो इट इंक्लूडिंग नंबर ऑफ पब्लिश्ड पोस्ट एंड पब्लिशिंग पेज, ये पब्लिशिंग पेज और पोस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें देता है। द फिगर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स इंक्लूडिंग, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स कितनी फिगर की गई है वो भी हमें देता है, स्पैम कमेंट्स भी इंक्लूड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको थीम भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। सो द थीम यू आर करंटली यूजिंग इज ऑल्सो नोटेड एंड ए रिमाइंडर इज प्रिंटेड इफ यू हैव ब्लॉक्ड सर्च इंजिन फ्रॉम इंडेक्सिंग योर वेबसाइट। सो यहाँ पे आपको जो करंट थीम है वो भी यहाँ पे एटी ग्लांस में अवेलेबल होगी। नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पोस्ट एंड नंबर ऑफ कमेंट्स इंक्लूडिंग स्पैम, ऑल्सो इट इंक्लूड करेंटली थीम। नेक्स्ट जो है वो है क्विक ड्राफ्ट। क्विक ड्राफ्ट, आपको जल्दी से कोई पोस्ट है वो ड्राफ्ट करनी है, सिर्फ सेव करनी है लेकिन पब्लिश नहीं करनी, तो आप यहाँ पे कोई भी पोस्ट जो है वो यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हो। सो द क्विकली ड्राफ्ट विजेट है वो इज हैंडली फॉर जोटिंग अ डाउन एंड आइडिया फॉर ए फ्यूचर ब्लॉग पोस्ट। आपको फ्यूचर ब्लॉग पोस्ट के लिए कोई भी आइडिया चाहिए, फिलहाल आपके माइंड में आया हो और आपको फिलहाल डायरेक्टली स्टोर करना हो, देन यू कैन डायरेक्टली स्टोर हियर। देर इज नो विजुअल एडिटर अवेलेबल, देयरफॉर यू कैन नॉट मेक टेक्स्ट बोल्ड और अपलोड एन इमेज। यहाँ पे कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं है, सो आप यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड नहीं कर सकते, कोई भी इमेज अपलोड नहीं कर सकते, सिर्फ उस रिलेटेड आइडिया को सेव कर सकते हो। सो द कंसेप्ट ऑफ क्विक ड्राफ्ट इज सिंपल। इफ यू हैव एन आइडिया फॉर ए पोस्ट, राइट डाउन अ टाइटल एंड सम नोट्स अबाउट योर आइडिया एंड सेव इट इज अ ड्राफ्ट। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट है एक्टिविटी। ये देखिए एक्टिविटी जो विजेट्स है, एक्टिविटी विजेट डिस्प्ले योर लास्ट फ्यू पब्लिश्ड पोस्ट, आपने कौन सी पोस्ट लास्ट में पब्लिश की है वो डिस्प्ले करती है। लास्ट में जो मेरी पोस्ट है वो ये है, रिसेंटली पब्लिश्ड हेलो वर्ल्ड पोस्ट। एंड इट ऑल्सो डिस्प्ले लेटेस्ट कमेंट, उसके अंदर लेटेस्ट कमेंट सिर्फ यही है, ये लेटेस्ट पोस्ट है और इस रिलेटेड कमेंट जो है वो यही है, दैट हैव बीन सबमिटेड। यू कैन रिस्पॉन्स टू द कमेंट डायरेक्टली थ्रू द विजेट, आप यहाँ से डायरेक्टली रिस्पॉन्स भी दे सकते हो। देखिए आपको यहाँ पे ट्रेस ऑल माइंड सब कुछ यहाँ पे देता है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स देना हो तब भी आप यहाँ से दे सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है वर्डप्रेस न्यूज़ और इवेंट। ये वर्डप्रेस न्यूज़ और इवेंट्स क्या करता है, दिस विजेट डिस्प्ले द लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, ये ब्लॉग पोस्ट जो लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट है उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें देता है। एंड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट वर्डप्रेस ब्लॉग सच एज WP Tavern, ये देखिए WP Tavern जो है
लेटेस्ट जो वर्डप्रेस न्यूज़, लेटेस्ट वर्डप्रेस के अंदर जो न्यूज़ आता है वो हमें यहाँ पे देता है कि लेटेस्ट कौन कौन सी न्यूज़ आए उसकी ऑफिशियल वर्डप्रेस ब्लॉग में से। यह हमें न्यू न्यू जैसे कि ऑफिशियल वर्डप्रेस क्या है, wordpress.org.blog, उसमें से जो न्यू लेटेस्ट पोस्ट आए वो हमें यहाँ पे व्यू करता है। जब भी आप वेबसाइट नेट ऑन होगा और आप स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग न्यूज़ है वो दिखाई देंगे। सो ये सारे उसके कस्टम ऑप्शन है। और मेन जो है वो है वेलकम पेज, यहाँ पे स्क्रीन में दिखता है वेलकम, एटी ग्लांस, एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट, वर्डप्रेस न्यूज एंड इवेंट। अगर आपको साइट हेल्थ स्टेटस देखना है तो ये भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये न्यू विजेट आया है बिकॉज ओल्ड वर्जन में ये विजेट जो था वो नहीं था। यहाँ पे ये रहा साइट हेल्थ स्टेटस, शुड बी इम्प्रूव्ड, योर साइट्स हेल्थ इज लुकिंग गुड बट देर आर साइट समथिंग यू कैन डू इम्प्रूव इट परफॉर्मेंस एंड सिक्योर। सो यहाँ से आप उस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। सो ये है हमारा डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में जो मेनू है वहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे होम पेज है। ये देखिए ये सिर्फ डैशबोर्ड ही ओपन करता है। यहाँ पे अपडेट्स, आपको आपकी वर्डप्रेस रिलेटेड कोई भी अपडेट्स जानने हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो। और देन पोस्ट, यहाँ पे हम पोस्ट और पेज के आगे के वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको कह दूँ कि अगर आपको सारी पोस्ट देखनी है आपकी वेबसाइट की देन यू शुड गो हियर ओल्ड पोस्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू एड न्यू पोस्ट देन यू कैन क्लिक हियर एंड यू शुड ऑल्सो गो ऑन कैटेगरी, यू कैन क्रिएट कैटेगरी एंड टैग्स हियर। पहले क्या था, वर्डप्रेस 2003 में जो है वो लॉन्च हुआ था, तब सिर्फ ब्लॉग के पर्पस के लिए लॉन्च होता हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हमने उसे वेबसाइट भी बनाने लगे। सो उसकी वजह से हम पेज सारे ऑप्शन जो है, पेज कैटेगरी, वो सारे न्यू फीचर्स जो है वो ऐड हुए। सो उससे पहले सिर्फ ओनली पोस्ट था क्योंकि ये सिर्फ ब्लॉग पर्पस के लिए ही था। नेक्स्ट जो है वो है मीडिया। मैंने कहा ना आपकी फ़ोन में जो गैलरी है, ठीक वैसे ही अगर आपको कोई भी मीडिया यहाँ पे ऐड करनी है, आपकी लाइब्रेरी, कोई वीडियो ऐड करना हो, कोई भी इमेज ऐड करनी हो, कोई भी टाइप की, देन यू शुड गो हियर मीडिया। और यहाँ पे ऐड न्यू क्लिक कर, ऐड न्यू करके आप यहाँ पे इमेज को ऐड कर सकते हो। और लाइब्रेरी, ये जो है वो मीडिया की लाइब्रेरी है, आपने जो भी ऐड किया होगा वो यहाँ पे दिखाएगा ऐड करके, और ऐड न्यू में आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है पेज, ओल्ड पेज और ऐड न्यू। आपको कोई भी न्यू पेज ऐड करना हो, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ये पेज दिए जाते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैम्पल पेज, बट अगर आपको कोई पेज आपका ऐड करना हो, जैसे कि होम पेज है, अबाउट है, इन्फो, अगर आपको पेज ऐड करना हो देन यू शुड गो हियर। नेक्स्ट जो है वो है कमेंट्स। आपको देखनी हो कि आपकी वेबसाइट में किसने किसने कमेंट्स की है, देन आपको कमेंट पे क्लिक करके सारी कमेंट्स मिल जाएगी। आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, स्पाम में मूव कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो एंड अप्रूव कर सकते हो, सारी की सारी कमेंट को आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है अपीयरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस मीन्स आपकी वेबसाइट में थीम क्या है। बाई डिफॉल्ट उसके अंदर वर्डप्रेस की 3 थीम जो है वो अवेलेबल होती है, 2020, 2019 एंड 2070, बट इफ़ यू वॉन्ट अ न्यू थीम देन यू शुड गो, जो हम लेटर वीडियो में देखेंगे कि थीम को कैसे ऐड करते हैं, न्यू थीम को आपकी वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज करते हैं। हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि हमें थीम के अंदर ये बॉक्स यहाँ पे चाहिए, ये बॉक्स यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। विजेट, आपकी वेबसाइट में जैसे कि सर्च का बॉक्स होता है, ये देखिए हमारी वेबसाइट में क्या विजेट है, ये फॉलोअर्स जो है वो विजेट है, ये ट्रांसलेटर है उसे विजेट कहते हैं। सो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ये भी विजेट की तरह मैंने यूज़ किया है। सो आप यहाँ पे ये से कोई भी विजेट लेना हो, जैसे कि अबाउट मी, ब्लॉग आर्चिव, तो ये सारे के सारे विजेट्स लेने हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आपकी वेबसाइट में मेनू क्रिएट करना हो देन यू शुड गो हियर, एंड अगर आपको वेबसाइट में बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज सेट करनी हो तब आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज थीम एडिटर। थीम एडिटर क्या है, अगर आपको HTML और CSS का नॉलेज है देन आपके सारे के सारे पेज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे और आप यहाँ पे कोई भी कोडिंग चेंज कर सकते हो। देखिए
आप यहाँ पे कोई भी कोडिंग CSS HTML को ऐड कर सकते हो किसी भी पेज के अंदर। सो थीम एडिटर के अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं, और प्लगइन्स जो प्लगइन्स मीन्स हम अलग अलग प्लगइन ले सकते हैं, जिसे हम लास्ट में उसका वीडियो भी देखेंगे कि जैसे आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म का प्लगइन लेना हो, लॉगिन का प्लगइन लेना हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हो, रजिस्टर का प्लगइन एंड एटसेट्रा। आपको फुल गैलरी लेनी हो या फिर वो जो होता है ना स्लाइडर लेना हो तो आप यहाँ पे प्लगइन पे ले सकते हो, प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, न्यू प्लगइन भी ऐड कर सकते हो और प्लगइन रिलेटेड कोड भी यहाँ पे कर सकते हो प्लगइन एडिटर में। नेक्स्ट जो है वो है यूजर। बाय डिफॉल्ट जब आप लॉगिन करते हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दिया गया है, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर काफी सारे रोल्स है, जैसे कि एडिटर का रोल है एंड एडिटर का है, पब्लिशर का है, तो आप यहाँ पे अलग अलग रोल जो है वो अलग अलग यूजर को असाइन कर सकते हो, जैसे कि एडिटर है, पब्लिशर है एंड एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट जो है वो है टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टूल्स। जैसे कि आपको आपकी वेबसाइट को एक्सपोर्ट करना हो तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आपकी वेबसाइट को, और इंपोर्ट करना हो जैसे कि आपकी वेबसाइट दूसरे में वेबसाइट में बनी है, जैसे कि ये देखिए मेरा ब्लॉग है blogger.com, लेकिन इसे मुझे ये सारे वेबसाइट को वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना है, देन हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं इंपोर्ट करके। सो इजीली हम इसे वर्डप्रेस में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छा वाला ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो साइट हेल्थ एंड एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इरिज पर्सनल डेटा, हम हमारे पर्सनल डेटा को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे स्टोर करना हो, इरिज करना हो, एंड यहाँ पे जो अवेलेबल टूल्स है वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है कैटेगरी, और टेक कन्वर्टर भी टूल भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसे हम लास्ट में देखेंगे। और नेक्स्ट जो है वो है सेटिंग, सेटिंग भी बहुत सारी है यहाँ पे, और सभी की सभी सेटिंग जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे सिलेबस में एक टॉपिक ही है सेटिंग, सो इसे भी हम सेटिंग के अंदर ही देखेंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे टॉपिक ही मिलेगा, चैप्टर वन में ही अवेलेबल है सेटिंग, जहाँ पे उस रिलेटेड हमें वीडियो ही देखेंगे, क्योंकि ये सेटिंग बहुत सारी है। जनरल सेटिंग है, राइटिंग, रीडिंग, सारी की सारी सेटिंग है। ये गोल स्पान मेनू, आपको मेनू इस तरह देखेगा, सिर्फ इस रिलेटेड आइकॉन पे क्लिक करो तब, और ये राइटिंग। सो ये जो है ये हमारा डैशबोर्ड ओवरव्यू है। इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट, पेज, गैलरी, ये सब कुछ देखेंगे। सो फिलहाल ये हमारा वर्डप्रेस ओवरव्यू है, आपको इस रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे क्लिक करो तब भी मिल जाएगा। ये रहा वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ये देखिए डैशबोर्ड ओवरव्यू आपको स्क्रीनशॉट के साथ मिल जाएगा कि दिस एरिया गिव जनरल ओवरव्यू ऑफ योर वेबसाइट, इट ऑल्सो गिव यूजफुल क्विक लिंक। नेक्स्ट जो है वो आपको इस तरह मिल जाएगा, वेलकम टू वर्डप्रेस एट ए ग्लांस। सो आपको ये इजीली यहाँ से मिल जाएगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू एड एडिट पेज कैटेगरी एंड पोस्ट और टेक।